अगर आप भी आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं तो ये मौका आपके लिए है। आप काफी देर से इंतजार कर रहे होंगे कि कब जो है वो आप सिक्योरिटी फोर्सेस में जो है वो शामिल हो जाएं और अपने देश की सेवा कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि उन नौजवानों के लिए गुड न्यूज है और ये गुड न्यूज जो है वो डिस्ट्रिक्ट जम्मू के नौजवानों के लिए है। यानी अगर आपका सपना है, आप आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं और आप जम्मू से हैं, तो आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये टेरिटरियल आर्मी की जो है आज की अगर मैं बात करूं तो आप इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं और बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो ऐसी भर्तियों का बहुत बार हिस्सा बने होंगे, लेकिन अभी भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और ये अपॉर्चुनिटी क्या है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप टेरिटरियल आर्मी में जो है वो जाना चाहते हैं और अगर आपका सपना है कि आप देश के वो जवान हो जो देश के लिए जो है जिस तरह से उसकी सेवा कर सके, और फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि टेरिटरियल आर्मी रिक्रूटमेंट रैली के लिए आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों के पास फोटोग्राफ्स होने चाहिए, 20 कॉपीज होनी चाहिए आपके पास विद व्हाइट बैकग्राउंड, पैन कार्ड की ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए, आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, जिस पर 10th क्लास की अगर मैं बात करूं तो वो सर्टिफिकेट भी चल जाएगा जब आप 10th क्लास से पास आउट हुए हैं। एजुकेशनल सर्टिफिकेट की बात करते हैं जिसमें मार्कशीट एंड डिप्लोमा 8th, 10th, 12th और ग्रेजुएशन का भी हो सकता है। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो भी आपके साथ आपके पास होना चाहिए और उस पर आपका फोटो लगा होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, जिस कास्ट सर्टिफिकेट पे भी मैं आपको बता दूं कि फोटोग्राफ होना चाहिए आपका और इश्यूड बाय तहसीलदार, सब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, और कास्ट सर्टिफिकेट के साथ साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए विद फोटोग्राफ विलेज सरपंच SHO और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मैरिटल स्टेटस सर्टिफिकेट होना चाहिए आप लोगों के पास, और उसके साथ अगर बात करते हैं यहाँ पर रिलेशनशिप कार्ड होना चाहिए आपके पास, जिस तरह से अगर आप सन ऑफ सर्विंग सोल्जर हैं, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन है, सन ऑफ विडो है, इस तरह के सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए अगर आप किसी स्पोर्ट्स में रहे हो। आगे एलिजिबिलिटी क्या है उसके बारे में बात करते हैं। GD के लिए क्लास 10th है विद 45% मार्क्स एंड ओवरऑल 33 इन ईच सब्जेक्ट। क्लर्क के लिए आप 12th पास होने चाहिए जिसमें 60% मार्क्स, 50% इन ईच सब्जेक्ट एंड मस्ट हैव कंप्यूटर नॉलेज दैट इज MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एक्सेट्रा। TDN के लिए क्लास 10th सिंपल पास विद 33% इन ईच सब्जेक्ट, जिस तरह की जॉब्स के लिए यानी टेलर, VM, HD एक्सेट्रा, इसके लिए TDN सेकंड के लिए क्लास 8 सिंपल पास एंड 33 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, हाउसकीपर एंड मेस कीपर। अभी फिजिकल स्टैंडर्ड पर चलते हैं जिसमें आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर, आपका चेस्ट 82 सेंटीमीटर, वेट आपका 50 kg एंड पुलअप 10। आपको बता दें कि इसमें अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं या आपके पास जिस तरह से आपका कोई रिलेशन है तो आपको इसमें राहत मिल सकती है, लेकिन अभी जो मैं चीज आपको बताऊंगी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जो टेरिटरियल आर्मी की भर्ती है ये भर्ती माधोपुर में होने वाली है और माधोपुर आपको आज ही पहुंचना होगा क्योंकि 1 से 1.5 बजे के बीच आपको वहां पहुंचना है। बिल्कुल भर्ती का टाइम जो है वो कल है, यानी 19 तारीख कल है, भर्ती कल होगी। लेकिन आप जानते हैं और जिन लोगों ने भर्ती दी है आप भी ये जानते हैं कि आपको रात को ही वहां पर पहुंचना होता है, इसलिए आप लोग जो है अगर अभी निकलेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। कल 19 तारीख को आपकी रैली होने वाली है लेकिन 1 से 1.5 बजे के करीब आपको पहुंचना है। 2 बजे आपका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और ये 2 बजे जो आपका रजिस्ट्रेशन है ये 5 बजे तक चलेगा और 5 बजे के बाद आप लोगों के ग्रुप जो है वो डिवाइड कर दिए जाएंगे। एज ग्रुप है 18 ईयर्स से 42 ईयर्स, लोकेशन रहेगी माधोपुर और आप जिस टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती के लिए जा रहे हैं वो है 157 टेरिटोरियल आर्मी। बेनिफिट्स क्या रहेंगे उसके बारे में बात करते हैं। जो आपकी ये जॉब रहेगी आर्मी में, टेरिटोरियल आर्मी में, ये होम एंड हर्थ रहेगी, यानी जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए अपॉर्चुनिटी है, तो आपको जो भी जॉब करनी है आपको जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही करनी है। अग्निवीर से बहुत से बच्चे जो है वो नाखुश भी रहते हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो गया उनका कि हम 4 साल के लिए जॉब करेंगे, तो आप जितनी देर भी जॉब करेंगे एक तो आप 4 साल नहीं करेंगे, उससे ज्यादा करेंगे, और आप अग्निवीर जैसा जो है 4 साल की जॉब नहीं होगी, और जब तक आप जॉब करेंगे आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही रहेंगे, जम्मू में ही रहेंगे। और अब बहुत सारे लोग यहाँ पर पूछेंगे कि ओनली जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए है लेकिन माधोपुर बहुत बड़ा है, हमें माधोपुर पहुंचना कहाँ है, तो मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता दूं, माधोपुर 126GA जैकक्राफ्ट लोकेशन में आपको पहुंचना है, यानी इसी के अंदर आपकी भर्ती होने वाली है, एक रैली होने वाली है और आप 5 बजे जब आपका रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा
उसके बाद जो आपके ग्रुप्स होंगे उसमें आप भी जानते हैं कि आपकी जो दौड़ है यानी जो आपकी भर्ती है उसे कंसीडर किया जाएगा और कौन जीतता है कौन हारता है ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। लेकिन आप कोशिश और मेहनत ना करें ये गलत बात है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अगर आप टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं तो आप निकल सकते हैं माधवपुर के लिए। 1 से 1.5 बजे आपको माधवपुर पहुंचना है और 2 बजे आपका प्रोसेस शुरू होगा। और फिलहाल इस खबर को शेयर करें सिर्फ और सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट के बच्चों के लिए है, इन बाहर कुछ भी नहीं है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट से इस खबर को शेयर करके तमाम लोगों तक पहुंचाएं। जाने से पहले जम्मू लॉटर न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।